All right. A very good afternoon to all of you. How are you all guys? Hi Yogesh, Nimisha, Saurabh, Nafisa. Good evening everyone. Awesome मौसम हो रखा है यहाँ पे, तो आज पढ़ने का बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है. सो वी हैव लेक्चर नंबर 3 ऑन कॉकरोच टुडे. वी हैव रेड अ लॉट अबाउट कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी एंड द जनरल फीचर्स एंड the structures present on head and thorax and abdomen. ठीक है, so today on we'll be starting with the anatomy. All right, so the anatomy begins today. Good evening Yogesh, good evening Nafisa, Anam, Shubhash, Mohammed, Uddin, Priyanshi, hi everyone. Yes Nivedita, Priyanshi, hello. Gaurav, Tak, how are you all guys? So have you gone through the previous two lectures? Have you attended that? Thank you Dr. Nikhil, it's good to have you in the class. Yes, so how many of you have attended the previous two lectures on cockroach? In case you haven't and you have missed those lectures, so please go back on the YouTube playlist and you can attend those lectures. Or aage ke lectures aapke miss na ho, to please like, share and subscribe to the channel and hit the bell icon. That's the most important thing. Hi Mrityunjay, I am very good evening. Pradeep, good evening. All right. Jaldi se bata do kis kis ne lecture attend kiye hain pichle. हाय निहारिका, हाय गौरव, थैंक यू. मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ अंशु, आप कैसे हो? हाय भक्ता, अनामिका, ओके. आई हैव सम न्यू नेम्स हियर इन द क्लास, थैंक यू अर्जुन. दिव्यांशी, गुड इवनिंग. नहीं किया अनामिका, दिल तो गड़बड़ हो गई. सो प्लीज़ हिट द बेल आइकन, ठीक है, ताकि आपके आने वाले लेक्चर्स मिस ना हो, बिकॉज वी आर गोइंग टू ब्रिंग वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स ऑन यूट्यूब. एंड ऑल्सो जल्दी से आज का लेक्चर शुरू करने से पहले शेयर कर दीजिए इस लेक्चर को अपने सारे के सारे ग्रुप्स में, ठीक है, सो दैट वी हैव ऑल ऑफ देम इन आर क्लास. मिस कर गई निवेदिता, कोई बात नहीं निवेदिता, अब अगले मिस ना हो तो एज सेड जल्दी से हिट कीजिए लाइक बेल आइकन को, ठीक है. और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत मज़ेदार चीज़ें अबाउट कॉकरोच. कॉकरोच के पेट में टीथ हैं, हमारे माउथ में बकल कैविटी में जहाँ टीथ होते हैं, सो कॉकरोच हैज़ इट इन इट्स स्टमक, ठीक है. तो वो कैसे दांत हैं वील सी. और हम थोड़ा सा भी खाते हैं तो हमें मोटा होने का डर होता है, राइट, कि यहाँ फैट आ गया, वहाँ फैट आ गया, एंड देन वी कीप स्ट्राइविंग टू गेट थिनर एंड देन लूजिंग दैट वेट. बट कॉकरोच इतना खाता है, कॉकरोच इज एक्चुअली अ वोरेशियस फीडर, ठीक है, लेकिन कभी मोटा नहीं होता. एंड देन कॉकरोच कैन एक्चुअली स्टे विदाउट इट्स हेड. तो क्या वो चीज़ें हैं जो उसको, क्या वो फैक्ट्स हैं जो उसको विदाउट हेड रहने के लिए अलाउ करते हैं कि वो रह सकता है हेडलेस. सो देखते हैं आज के लेक्चर में. सो बिफोर वी स्टार्ट, जल्दी से हिट कीजिए लाइक बटन, सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो यू डोंट मिस ऑन द कमिंग लेक्चर्स. ऑल राइट, एंड वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ फॉर यू. वैसे मैंने कल भी दे दी थी, लेकिन कल जो क्लास में नहीं आए, आई हैव अ न्यूज़ फॉर यू दैट वी हैव स्टार्टेड विद एन एक्टिवेटर सीरीज. इट इज पर्टिकुलरली फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम क्लास, हु हैव एंटर्ड द क्लास 11th. It's both for JEE and NEET aspirants, ठीक है. 1 month structured free series है जो हमने start की है अपनी app पे. Hi everyone, hi Sushma and Bilal and Sobul, all right. No, Sobul, it's not that it has two nervous system. It doesn't have two nervous system. Nervous system तो एक ही है, ठीक है. तो क्यों वो headless रह सकता है? We'll see it in a while. Hi everyone. If I'm missing on someone's names, please don't mind it, okay? Yeah, thank you Mrityunjay, thank you so much for liking the class. So if you like it, share it, okay, that's the best way of saying thank you to me. All right, so I was talking about the activator series. So we have brought two important chapters of every subject, theek hai, class 11th ke, physics, chemistry, biology and maths, theek hai. Isme hum do aise important chapters aapke saath discuss karne wale hain jo ki basic hain is pure subject ke, puri preparation ke.
ठीक है, एंड वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द सीरीज यस्टरडे ऑन. दीज क्लासेस विल बी फॉर 1 आवर ईच सब्जेक्ट एंड बिटवीन 1 to 4 PM. ठीक है जी, तो प्लीज शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स. फ्री क्लासेस हैं जिसमें कि हम बहुत डिटेल में जाके सारी चीजें समझने वाले हैं, एंड आफ्टर एवरी 2 लेक्चर्स वील हैव एन इंटरेक्टिव क्विज फॉर चेकिंग योर प्रोग्रेस. सो अटेंड इट, शेयर इट, लाइक इट, ठीक है, एंड डू लेट अस नो हाउ डू यू लाइक इट. देन स्टार्ट करते हैं कॉकरोच के साथ. आई थिंक इट्स हाई टाइम वी स्टार्ट विद इट. जिन्होंने पिछले लेक्चर्स अटेंड नहीं किए, आई विल टेल देम व्हाट वी हैव डन सो फार. वी हैव डिस्कस्ड द क्लासिफिकेशन कि कौन सा किंगडम है, कौन सा फाइलम है, और वो अपनी अपनी उस कैटेगरी में क्यों आता है. निहारिका, आई विल एक्सप्लेन इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश. दिस क्लास विल बी बायलिंगुअल. ठीक है जी, चलिए जनरल फीचर्स हमने देखे कॉकरोच के. बॉडी सेगमेंट्स के बारे पढ़ चुके हैं कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में कितने सेगमेंट्स हैं और एडल्ट स्टेज में कितने हैं. जनरल मोफोलॉजी देखी हमने कॉकरोच की, एंड दिस इज आर वेरी हैंडसम कॉकरोच. हैंडसम बिकॉज इट हैज एनल स्टाइल्स, एंड जिसके एनल स्टाइल्स होते हैं वो होता है आपका मेल कॉकरोच. ठीक है, कल हमने और भी डिटेल्स किए थे कॉकरोच के. देखिए स्केलेटन जो कि उसका बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. रिद्धि, ये कल भी बात डिस्कस हुई थी. फ्रॉग एंड अर्थवर्म इज नॉट रियली इन योर सिलेबस, सो वी वोंट बी डिस्कसिंग फ्रॉग एंड अर्थवर्म इन एज मच डिटेल जितना हम आज कॉकरोच पढ़ रहे हैं. ये द थर्ड लेक्चर है और अभी भी 2 और क्लासेस लगेंगी, तो कॉकरोच का तो हम डिटेल पढ़ रहे हैं. ठीक है, लेकिन अर्थवर्म और फ्रॉग को हम ऊपर से ब्रश अप कर सकते हैं. ठीक है, बट हाँ, फ्रॉग एंड अर्थवर्म का मैं रेफरेंस दूंगी जब मैं एनिमल किंगडम डिटेल में डिस्कस करूंगी. चले सो आगे चलते हैं. हेड रीजन कैसा है, हाइपोगनाथस बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है. ठीक है, वो हमने पढ़ी थी कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, एंड देन वी गॉट इनटू द डिटेल्स ऑफ दो स्ट्रक्चर्स. एक स्ट्रक्चर जो मैं तुम्हें नहीं बता पाई अभी, इट गॉट स्किप्ड, दैट वाज ऑसिलर स्पॉट्स, ऑसिलाई. रिमेंबर ये हमने हेड बनाया था, यहां से हमारे एंटेने अराइज होते थे, और एंटेने के बेस पे ये 2 डॉट्स हैं. सी दीज आर द कंपाउंड आईज, और आईज के पास ये एंटेने के बेस पे ऑसिलाई प्रेजेंट होते हैं. सो दीज स्पॉट्स आर कॉल्ड ऑसिलाई एंड दे एक्ट एज सिंपल आईज. बट आईज की जब भी बात आती है तो हमें याद आता है कि विजन, यू नो, इमेज बनी होगी. हाय सुषमा, आई एम वेरी फाइन, थैंक यू सो मच. ठीक है, चलिए लास्ट लेक्चर का PDF आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, लास्ट दोनों लेक्चर्स का और आज इसका भी. सो यस, ऑल राइट. तो ऑसिलाई दीज एक्ट एज सिंपल आईज, बट यहाँ पे कोई इमेज नहीं बनती, नो इमेज फॉर्मेशन. तो फिर ऐसी आईज का फंक्शन क्या है? आईज, ये जो सिंपल आईज हैं, ऑसिलाई हैं, ये सिर्फ इंटेंसिटी ऑफ लाइट को डिटेक्ट करती हैं कि लाइट ज्यादा हार्श आ रही है कि डिम लाइट है. ठीक है, सो दीज आर सेंसिटिव, दीज डिटेक्ट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, डिटेक्ट इंटेंसिटी ऑफ लाइट. चलिए, सो इसके अलावा बाकी हमने सब पढ़ लिया. एंटीना के स्ट्रक्चर, कंपाउंड आईज, माउथ पार्ट्स, थोरेक्स, विंग्स. यस, विंग्स बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसका, कि इसके अंदर 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं. कौन कौन से? मीजो एंड मेटा. और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन से विंग्स हैं जो फ्लाइट में यूज होते हैं. सो फ्लाइट में यूज होने वाले जो विंग्स हैं, दे आर द हाइंड विंग्स. हाय श्रीनिवास, इफ यू आर न्यू टू द क्लास, जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपकी आने वाली क्लासेस मिस ना हो. और जिनकी पिछली क्लासेस मिस हो गई हैं किसी भी रीजन से, प्लीज गो बैक एंड अटेंड दोज लेक्चर्स, बिकॉज उनके बगैर आपका ये लेक्चर थोड़ा सा हो सकता है आपको इनकम्प्लीट लगे. मैं बिल्कुल पूरा कोर्स करवाऊंगी राम. हमारे यहाँ पे अलग अलग लेक्चर्स चलेंगे, बट देन वी हैव द डिटेल्ड एंड elaborate discussions on each and every chapter in our subscription, in our Conquer courses. So, yes, बिना head के cockroach कितने दिन जिंदा रह सकता है? बात करेंगे कि क्यों रह सकता है, लेकिन एक हफ्ता वो बिना head के रह सकता है. यानी सोचो, headless cockroach आपको दिख रहा हो तो डरना मत, वो कोई भूत नहीं है. ये बहुत ही scientific reason है कि cockroach headless रह सकता है एक हफ्ते के लिए. ठीक है, ऑल राइट. श्रीनिवास हैज ऑलरेडी सब्सक्राइब, एक्सीलेंट. देन यू मस्ट बी नोइंग हमारे अलग अलग कोर्सेज चल रहे हैं, अलग अलग प्लान्स चल रही हैं, और इसके बाद आगे चलते हैं हम
लेग्स पे हमने लेग्स का डिटेल स्ट्रक्चर देख लिया है, एब्डोमेन पे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, एनल सर्काई एंड एनल स्टाइल्स वो पढ़ लिया है. एनाटमी इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे. हाइंड तो कवर है इनसे, यस इसके हाइंड विंग्स भी कवर होते हैं. अनामिका जो इसके फोर विंग्स हैं वो इसको कवर करेंगे, इसको कवर करते हैं, पूरी बॉडी को कवर करते हैं इनफैक्ट. तो हाइंड विंग्स छुपे होते हैं ट्रांसपेरेंट से कलर के, और जब भी इसको उड़ना होता है तो इट विल मूव इट्स फोर विंग्स अवे एंड नीचे से उसके हाइंड विंग्स बाहर आएंगे एंड यस इट विल फ्लाई. बहुत कम फ्लाई करता है, लेकिन वेन एवर इट फ्लाइज इट टेक्स द शिट आउट ऑफ अस, राइट. हम डर जाते हैं बहुत ज़्यादा. तो अगला चैप्टर क्या है? अगला चैप्टर हमारा फिलहाल नेक्स्ट टू लेक्चर्स आर ऑन कॉकरोच, ठीक है. सो अगला लेक्चर क्या होगा, अगला चैप्टर हमारा कौन सा होगा, सो उसके लिए आपको बेल आइकन हिट करना होगा सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन. और जो मैं एक्टिवेटर सीरीज की बात कर रही थी, उस एक्टिवेटर सीरीज में हम जूलॉजी में स्टार्ट करेंगे टिश्यूज का चैप्टर. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बेसिक है. ऐसा कोई आपका बायोलॉजी में चैप्टर नहीं आने वाला जिसमें आप टिश्यूज नहीं पढ़ोगे. सो वंस वी आर डन विद दैट टिश्यूज वाला चैप्टर, आपको बाकी चैप्टर्स में ना जो हिस्टोलॉजी है वो बहुत ही सिंपल लगने वाली है. सो बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड और मेरी खुद का मुझे लगता है कि हाँ, टिश्यूज पढ़ने के बाद आपको पूरी बायोलॉजी का, पूरी जूलॉजी का एक लाइक एक आइडिया हो जाता है. ऑल राइट फाइन. चले लेट्स स्टार्ट विद एनाटॉमी. एंड टुडे द फर्स्ट सिस्टम दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज द डाइजेस्टिव सिस्टम. चलो ऑल राइट, लेट्स फोकस ऑन दिस गाइज. हाइंड विंग्स में नर्वस सिस्टम होता है ना मैम? विंग्स के अंदर नर्वस सिस्टम नहीं होता रिपाला. विंग्स आर द मॉडिफिकेशन ऑफ इट्स स्किन. विंग्स के अंदर नर्वस सिस्टम नहीं होगा, बेस पे होगा. वील सी इट ऑल. चलिए लेट्स स्टार्ट विद द डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले चीज आपको जो पता होनी चाहिए वो ये है कि इसका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है. सो अगर आप में से किसी ने एनिमल किंगडम पढ़ रखा है देन यू मस्ट बी फेमिलियर विद दिस टर्म कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब है इट हैज टू सेपरेट ओपनिंग्स फॉर इनजेशन एंड फॉर ईजेशन. खाने के लिए माउथ और रिमूवल के लिए इट हैज एनस. तो जिस भी ऑर्गेनिज्म में दो सेपरेट ओपनिंग्स होती हैं फॉर इनजेशन एंड ईजेशन, सच डाइजेस्टिव सिस्टम और सच एलिमेंट्री कैनाल इज सेड टू बी complete. It has complete elementary canal. Even we have complete elementary canal. So we have other examples also, examples of those organisms which do not have complete elementary canal like coelenterates. But we'll go on to the details later on in the chapter of animal kingdom. In this we'll see digestive system ke do components. One is elementary canal, the gut, and the glands, digestive glands. So starting with elementary canal, which is complete. Complete means two separate openings, mouth and anus. Ram Pravesh, please concentrate on the lecture. You will be informed about the next chapter. ठीक है, पहले ये पढ़ लो, ये बहुत important chapter है. हर paper में cockroach में से दो से तीन questions आए ही हैं. Yes, you are right, Priyanshi. Incomplete system has only one opening which will act as both माउथ एज वेल एज एनस, बट इट हैज टू ओपनिंग्स कंप्लीट के अलावा. अब जो इसका एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल का देखो ऑर्डर क्या रहता है, क्या ट्रैक है. सो स्टार्ट्स विद माउथ. माउथ विल लीड इन टू बकल कैविटी. बकल कैविटी वुड देन लीड इन टू फेरिंग्स. फेरिंग्स वुड लीड इन टू द इसोफेगस. ठीक है, इसोफेगस जो है यानी फूड पाइप, वही एनलार्ज होके बना देती है इसका क्रॉप रीजन विच विल स्टोर फूड. क्रॉप विल देन लीड इनटू गिजार्ड जहां पे इसके टीथ प्रेजेंट हैं, देखेंगे हम. तो गिजार्ड के बाद द फूड विल गो इनटू द मिड गट, और मिड गट के बाद फूड विल गो इनटू द हाइंड गट विच कंसिस्ट ऑफ ईलियम, कोलॉन एंड देन रेक्टम. And then rectum opens into anus. Clear? So this is the track of elementary canal. Now overall ये जो elementary canal है, this is differentiated into three different regions. So foregut, midgut and hindgut.
तो देखते हैं कितना पोर्शन फोर गट है, कितना मिड गट है और कितना हाइंड गट है. लुक एट दिस डायग्राम. सो माउथ यहाँ पे इसके नीचे वाली साइड पे प्रेजेंट होगा, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी रेड दैट माउथ इज ऑल्सो डाउनवर्डली डायरेक्टेड. डाउनवर्डली डायरेक्टेड के लिए टर्म यूज होती है हाइपोगनेथस. सो माउथ के पीछे इसके यहाँ पे प्रेजेंट होगा इसका फेरिंग्स और इसकी बकल कैविटी, एंड विच विल लीड इन टू दिस इसोफेगस. दिस इज इसोफेगस, दिस इज इसोफेगस. क्लियर? इसोफेगस इसका डायलेट हो जाएगा, ये डायलेट होके बना देगा. ये डायलेटेड रीजन को हम बोल देते हैं क्रॉप. ठीक है? सो क्रॉप, और क्रॉप के नीचे प्रेजेंट है ये वाला रीजन, दिस इज कॉल्ड गिजार्ड. क्लियर? अब जहां तक गिजार्ड है यहां तक इसका फोर गट है. सो गिजार्ड तक प्रेजेंट है फोर गट. उसके बाद यहां से लेके यहां तक ये जो रीजन है, दिस इज नोन एज मेसेंट्रॉन, और वी कॉल इट मिड गट, और वी कॉल इट वेंट्रिकुलस. वी हैव थ्री नेम्स फॉर द सेम स्ट्रक्चर. ठीक है? और इसके बाद स्टार्ट हो जाता है इलियम, कोलन एंड रेक्टम, एंड दीज थ्री स्ट्रक्चर्स फॉर्म द हाइंड गट. इसके बाद सारा होगा हाइंड गट. सो द एलिमेंट्री कैनाल इज डिफरेंशिएटेड इनटू थ्री रीजन्स, फोर गट, मिड गट एंड हाइंड गट. नाउ वी हैव स्टिल अनदर टर्म्स फॉर फोर गट, मिड गट एंड हाइंड गट. देखो, फोर गट के लिए हम टर्म यूज करेंगे स्टोमोडियम. स्टोमोडियम, स्टोमा वर्ड इज ऑलवेज फॉर माउथ, तो जहां पे माउथ वाला एंड है दैट इज स्टोमोडियम. मिड गट, वेंट्रिकुलस और मेसेंट्रॉन, एंड देन वी हैव हाइंड गट विच इज ऑल्सो नोन एज प्रोक्टोडियम. तो एनल एंड की तरफ है प्रोक्टोडियम और बकल एंड की तरफ है स्टोमोडियम. ऑल राइट, फाइन. यस डॉक्टर निकिता, वील बी रेफरिंग टू द हिपैटिक ट्यूब्यूल्स इन अ वाइल. अभी हम एलिमेंट्री कैनाल की बात कर रहे हैं. ठीक है? हिपैटिक सीके जो है वो हिपैटिक सीके आएंगे इसकी ग्लैंड्स में. सो वील बी टॉकिंग अबाउट इट डेफिनेटली. यस एग्जैक्टली एस रहमान, यू आर एब्सोल्यूटली राइट. देखिए, मिड गट के लिए जहां हम टर्म यूज करते हैं वेंट्रिकुलस, तो मिड गट से पहले स्ट्रक्चर आता है गिजार्ड, तो गिजार्ड के लिए टर्म यूज हो जाएगी प्रो वेंट्रिकुलस. एब्सोल्यूटली राइट. सी, इट्स ऑलवेज गुड टू हैव इनपुट्स फ्रॉम यू. मीन्स मजा आता है कि आप पढ़ के आए हो, क्योंकि जब आप पढ़ के आते हो ना क्लास में, आपको एग्जैक्टली पता होता है कि आपको क्लास से क्या ऑब्टेन करना है. What are you looking forward for the class to? Then, male cockroach ka lifespan, kisi bhi cockroach ka jo lifespan hai, that is for, 3 to 4 years. Jab tak hum usko marna de, to tab to lifespan kuch bhi hoga. But otherwise, uski apni jo average lifespan hai, that is 3 to 4 years. Chale, us pe aayenge hum uski development ke baare padhte huye. So, digestive system ke baare, next thing that we must know, inke functions. Dekhiye. तो स्टार्टिंग विद माउथ, तो माउथ में फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है दैट इज, सो विल टॉक अबाउट, सॉरी, माउथ. माउथ इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर. माउथ एज आई सेड लीड्स टू बकल कैविटी, राइट? सो माउथ इज, माउथ का फर्स्ट फीचर इज इट इज हाइपोगनेथस. वी हैव रेड दैट. वी हैव ऑल्सो रेड इन द प्रीवियस लेक्चर्स दैट इट इज ऑफ बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप. We have also read about the five different parts present in the mouth region. Okay? Next is buccal cavity. Buccal cavity is small and tubular and muscular. Okay? छोटी सी tube है जिसका काम है food को सिर्फ transport कर देना. बिल्कुल निवेदिता, हम हर एक chapter के objective questions करेंगे. After these one more lecture. एक लेक्चर के बाद हमारा ये चैप्टर खत्म होने वाला है कॉकरोच, और जो फिफ्थ हमारा टॉपिक होगा, फिफ्थ लेक्चर होगा, उसमें हम कंडक्ट करेंगे इस पे एक इंटरैक्टिव क्विज. सो साथ साथ पढ़ते जाइएगा, एंड सो दैट यू डोंट मिस ऑन एनीथिंग, एज सेड हिट द बेल आइकन. एंड देन बकल कैविटी के बाद इट विल लीड इन टू द फेरिंग्स विच इज अगेन अ स्मॉल ट्यूबुलर मस्कुलर रीजन, ट्यूबुलर एंड मस्कुलर. नाउ दिस फेरिंग्स वुड देन लीड इन टू द इसोफेगस. Esophagus जो है, as we have seen, so this is esophagus. ये मैं जितना भी yellow portion कर रही हूँ, this is all esophagus or the food pipe. Now esophagus will of course help in transport of food. और कोई काम ही नहीं होता esophagus का, हमारे केस में भी यही है, transport of
फूड. इसोफेगस विद देन लीड इन टू, इसोफेगस ही डायलेट होके बना देगी एक रीजन विच इज नोन एज क्रॉप. क्लियर? और क्रॉप का काम होता है फूड को स्टोर करना, इट स्टोर्स द फूड. तो ये क्या करता है, जब इसको खाने को मिलता है तो पहले अपना क्रॉप भरता जाएगा और फिर धीरे धीरे उसको डाइजेस्ट करता है. डाइजेशन कहाँ जाके होगी, विल सी. क्रॉप के बाद ये देखिए, ये जो रीजन था, दिस इज ऑल क्रॉप, राइट? सो दिस होल ब्लू रीजन, दिस इज ऑल क्रॉप, जहाँ पे उसने फूड को स्टोर कर लेना है. और स्टोर करने के बाद फूड जाएगा उसके इस रीजन में विच इज नोन एज गिजार्ड. तो अब गिजार्ड में जाके होनी है इसकी डाइजेशन. तो क्रॉप वुड देन लीड इन टू गिजार्ड, एंड गिजार्ड ऑल्सो नोन एज प्रोवेंट्रिकुलस, राइट? सो गिजार्ड के अंदर होगी इसकी मैकेनिकल डाइजेशन. मैकेनिकल डाइजेशन मीन्स वेयर द फूड विल बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस. हमारे अंदर मैकेनिकल डाइजेशन कहाँ होती है गाइस? हमारे अंदर मैकेनिकल डाइजेशन होती है हमारी बकल कैविटी में और हमारी स्टमक में, है ना, जहाँ पे लार्जर पीसेस विल बी ब्रोकन इनटू द स्मॉलर पीसेस. एंड टू फॉर द सेक ऑफ मैकेनिकल डाइजेशन वी हैव टीथ. अब इसके दांत प्रेजेंट हैं गिजार्ड में. अब देखो इसका गिजार्ड कैसा होता है. अगर मैं इसका ट्रांसवर्स सेक्शन ड्रॉ करूँ गिजार्ड का, तो गिजार्ड की जो इनर वॉल है उसके अंदर मिलेंगे हमें सिक्स डेंटिकल्स, सिक्स टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स. सो ये टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स जो होंगे ये हेल्प करेंगे फूड को ब्रेक डाउन करने में. सो दीज आर टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स ऑफ कॉकरोच. अजीब से दांत है ना. चलो सो ये जितने भी इसके टीथ हैं, दीज टीथ सिक्स, और ये टीथ बने हैं काइटन के, काइटनस एंड क्यूटिकुलर टीथ. आई टेल यू व्हाई डू वी कॉल इट काइटनस एंड व्हाई डू वी कॉल इट क्यूटिकुलर. देखो क्यूटिकल तो तुम सॉरी काइटन तो तुम्हें पता है, काइटन इज पॉलीसेकेराइड, राइट, जिससे कि इसका एक्सोस्केलेटन भी बना है. और काइटन हमेशा बहुत हार्ड होता है. यस दे हैव डेंटिकल्स इन द माउथ टू, यस दे डू हैव, वो मेंडिबल है, वो सिर्फ कट करने में हेल्प करेगा, राइट? अब जो उसकी च्यूइंग होनी है, यानी फूड को जो फर्दर तोड़ना है, वो तोड़ना है अब गिजार्ड के डेंटिकल्स ने. सो दैट इज डिफरेंट, ठीक है. नो डाउट डेंटिकल्स आर प्रेजेंट इन मैंडिबल, ऑन मैंडिबल, दैट इज इन द माउथ टू. अब देखिए काइटन के बने हुए हैं और क्यूटिकुलर भी हैं. नाउ व्हाट इज क्यूटिकल? देखो क्यूटिकल हम कहते हैं बॉडी की कवरिंग को. तो जो भी उसकी कवरिंग है, से ये कॉकरोच है, सो कॉकरोच की जो इनर वॉल है ना, ये दिस इज द कॉकरोच, दिस इज द बॉडी वॉल. सो बॉडी वॉल के अंदर वाली साइड पे प्रेजेंट होती है क्यूटिकल. सो आई विल ड्रॉ इट हियर, से दिस इज क्यूटिकल. क्लियर? इवन द एलिमेंट्री कैनाल इज इंटरनली लाइंड बाय क्यूटिकल. तो वो जो क्यूटिकल था, इनर वॉल थी, क्यूटिकल थी, उसी क्यूटिकल ने इसके ये टीथ बना दिए, ठीक है. इसलिए हम इन काइटनस टीथ को क्यूटिकुलर टीथ भी बोलेंगे. यस प्रियांशी, यू आर वेरी राइट. काइटन, दे आर मेड अप ऑफ काइटन, बट दे आर ऑल्सो लाइंड बाय क्यूटिकुलर वॉल, ठीक है. तो एंड डेफिनेटली दे आर सिक्स इन नंबर. सो दीज विल हेल्प इन ग्राइंडिंग द फूड. तो गिजार्ड का काम मैकेनिकल डाइजेशन, यानी कि क्या हो गया, ग्राइंडिंग ऑफ फूड अकर्स हियर. एनसीईआरटी की लाइन, ग्राइंडिंग ऑफ फूड. चलिए अब गिजार्ड के बाद फूड कहाँ जाएगा? गिजार्ड के बाद फूड जाने वाला है इसके मेसेंट्रॉन में. अब ये जो मेसेंट्रॉन है, मेसेंट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन. नाउ सी हियर, ये आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, दीज ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, दीज स्ट्रक्चर्स एट द जंक्शन ऑफ फोर गट एंड मिड गट, दे आर 6 to 8 इन नंबर. और इसको लेबल किया हुआ है हिपैटिक सीके. देखो सीका वर्ड कहीं पे भी आ जाए, जैसे आपके लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट जो पार्ट है, दैट इज सीकम. नाउ सीकम मीन्स ब्लाइंड पाउच, यानी जो एक साइड से बंद हो वो सीका है या सीकम है. तो एज वी कैन नोट हियर, वी कैन ऑब्जर्व हियर, जो यहाँ पे भी ट्यूब्स हैं, दे आर क्लोज्ड फ्रॉम वन एंड, सो हेंस द नेम इज सीका. बट क्योंकि ये लिवर का काम करने वाले हैं, इसलिए हमने नाम रख दिया हिपैटिक सीके, ठीक है. तो ये भी लिवर की तरह डाइजेस्टिव जूस रिलीज करेंगे, और वो जूस रिलीज हो जाएगा यहाँ पे इसकी मिड गट में. सो दे विल रिलीज
द डाइजेस्टिव जूस इन द मिड गट. तो जैसे गिजार्ड ने फूड को छोटे छोटे पीसेस में कट किया, कट करने के बाद वो आ जाएगा मिड गट में, एंड नाउ केमिकल डाइजेशन वुड टेक प्लेस इन द मिड गट. यस, एब्सोल्युटली राइट. डाइजेस्टिव जूसेज आर प्रोड्यूस्ड बाय हिपैटिक सीके. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि हिपैटिक सीके कहाँ पे प्रेजेंट है. हिपैटिक सीके आर प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट. लेकिन अगर आपको कोई एक चूज करना हो, अगर उन्होंने बिटवीन द फोरगट एंड मिडगट की ऑप्शन ही नहीं दी, आपको ऑप्शन दे दी है फोरगट और मिडगट, या थर्ड है हाइंडगट, या कुछ भी, ठीक है, तो आंसर वुड बी मिडगट. इसका जो एक्चुअल As such, it is found in the at the junction. लेकिन अगर वो junction नहीं है और हमें एक answer ढूंढना है, that answer has to be midgut. So hepatic cheek are precisely found in the midgut region of alimentary canal. यहाँ पे होगी इसकी chemical digestion. So midgut का काम है chemically food को digest करना. Alright. So यहाँ पे होगी chemical digestion in the presence of digestive juices. And then food will enter into the ileum, colon and rectum. तो ये जो hind gut वाला part है, hind gut के अंदर होनी है इसकी absorption. तो देखो, जो foregut है, foregut का main काम क्या हुआ? Transport करना food को और उसकी mechanical digestion करना, ठीक है? और midgut का काम क्या हो गया? Chemical digestion करना. और hind gut का काम क्या हो गया? Absorption करना. अनामिका बिल्कुल होती है. मिडगट में भी काइटन की लेयर नहीं होती, मिडगट में होती है क्यूटिकुलर लेयर. सी, थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल इज लाइंड बाय क्यूटिकुलर लेयर. अब क्यूटिकल क्या है? क्यूटिकल प्रोटीन की लेयर होती है एक, ठीक है, वो क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट है थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल. लेकिन काइटन जो है वो सिर्फ गिजार्ड के डेंटिकल्स में मिलेंगे. चलिए नेक्स्ट चलते हैं. अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो. जो प्रोक्टोडियम है, सॉरी स्टोमोडियम है, स्टोमोडियम और द फोरगट, दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम एंडोडर्म, राइट. जो इसका मिडगट है, दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम एक्टोडर्म. मिडगट इज डिराइव्ड फ्रॉम एंडोडर्म, वाइल the hind gut or the proctodium, that is derived from ectoderm. हाँ जी, कौन बताएगा? Human gut जो होती है वो कहाँ से derive होती है? जल्दी से बता दीजिए. We have three germ layers, ectoderm, mesoderm and endoderm. So हमारी elementary canal is lined by which of the three germ layers? Guys, I'm waiting for an answer. कौन बताएगा कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल कहां से डिराइव होती है? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म. डॉक्टर निकिता, आई एक्सपेक्ट एन आंसर फ्रॉम यू. यू ऑलवेज हैव आंसर्स टू द क्वेश्चंस. अनामिका, गौरव इज द फर्स्ट वन टू आंसर. गुड गौरव, इट इज एंडोडर्मल. निवेदिता इज कंफ्यूज्ड. व्हाई निवेदिता? कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, ठीक है. धीरे धीरे जब हम रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर्स पे आएंगे, वील हैव अ ट्रिक टू लर्न कि कौन सा सिस्टम कहाँ से डिराइव्ड है. सो जितने भी लोग बोल रहे हैं कि इट इज एंडोडर्म, दे आर एब्सोल्युटली राइट. हमारी एलिमेंट्री कैनाल इज एंडोडर्मल इन ओरिजिन. बिल्कुल आप 11th में हो, आई रियलाइज दैट, लेकिन हो सकता है किसी ने पढ़ा हो, तो दैट इज व्हाई आई आस्क्ड. ठीक है, गुड. ऑल ऑफ यू हु नो द आंसर, एक्सीलेंट. जिनको नहीं पता है वो आज याद रख लेना कि हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल है, दैट इज एंडोडर्म लाइंड कैविटी. इसके केस में जो फोरगट होगा, दैट इज एक्टोडर्मल. हाइंडगट इज एक्टोडर्मल, लेकिन सिर्फ मिडगट जो है, दैट इज एंडोडर्मल इन ओरिजिन. ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पे. अब देखो, एक्सक्रीटरी सिस्टम इसका, इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं. यस अबीन, आई वॉज हाइडिंग, so that is why you could not see and I am here again. चलिए, so excretory system में we have some very important structures. Number one structure is Malpighian tubules. ठीक है, Malpighian tubules. अभी आते हैं इस पे. दूसरा, it has nephrocytes. Then it has fat bodies and it has
क्यूटिकुलर वॉल। चलिए, तो बहुत सारे अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। एंड आई होप तुम सबको एक्सक्रीशन का मतलब क्लियर होगा। एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस, मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट। कौन बताएगा इसका चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है? मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट, हु कैन टेल मी विच इज द एक्सट्रीम, सॉरी विच इज द चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट इन केस ऑफ कॉकरोच? हाय फिजान, जल्दी से बता दीजिए इस। ऑल राइट, हिंट दे रही हूँ, वेदर इट इज यूरिया और इट इज यूरिक एसिड और इट इज अमोनिया। येस, गौरव इज अगेन द फर्स्ट वन टू आंसर। एस रहमान, यू आर राइट। प्रियांशी इज राइट टू। जो चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट है कॉकरोच में, दैट इज यूरिक एसिड। तो जिस भी ऑर्गेनिज्म के पास लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर है, दैट इज ऑलवेज यूरिकोटेलिक। तो कॉकरोच इज यूरिकोटेलिक, क्योंकि चीफ वेस्ट जो है इसका वो होता है यूरिक एसिड। ठीक है, ऑल राइट। इसके अलावा वी हैव वन मोर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड यूरिकोज ग्लैंड। वो मैंने अभी मेंशन नहीं किया था क्योंकि आई विल बी डिस्कसिंग द यूरिकोज ग्लैंड एंड इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम टू, यूरिकोज ग्लैंड। पर चलिए लिख लेते हैं फिलहाल। सो फर्स्ट इज मालफिजियन ट्यूब्यूल्स, देन नेफ्रोसाइट्स, थर्ड इज फैट बॉडी एंड क्यूटिकुलर वॉल, एंड द फिफ्थ इज यूरिकोज ग्लैंड्स। लेट्स टॉक अबाउट मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है दैट इज मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। लेट्स गो बैक टू डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर। गाइस, कैन यू सी हियर इन एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट, आपको कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं। तो ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पे, ये वाले, सो दीज हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स विच आई एम मार्किंग विद ब्लू, ये दीज, वैसे ये ब्लू नहीं होते, वैसे ये येलो होते हैं। ठीक है, क्लियरली येलो कलर के स्ट्रक्चर्स होते हैं, एंड दीज येलो स्ट्रक्चर्स आर नोन एज मालफीजियन ट्यूब्यूल्स। चलिए, सो लेट्स सी, ऐसा है, आई एम हाइडिंग माई सेल्फ अगेन। ठीक है, चलो, तो अब देखो यहाँ पे आपकी आ रही है मिड गट, मिड गट, और नीचे है आपकी कॉकरोच की हाइंड गट। ठीक है, और हाइंड गट और मिड गट के जंक्शन पे प्रेजेंट होते हैं दीज 100 to 150 इन नंबर दीज स्ट्रक्चर्स आर मालफीजियन ट्यूब्यूल्स। ठीक है, एंड दे आर ब्रश लाइक स्ट्रक्चर्स, दीज आर मालफीजियन ट्यूब्यूल्स 100 to 150 इन नंबर। अब करते क्या है, ये मालफीजियन ट्यूब्यूल्स जो हैं, आसपास देखो इसके ब्लड प्रेजेंट है। हम पढ़ेंगे आज कि जो कॉकरोच है, इट हैज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब जितनी खाली जगह है, दैट इज ऑल फिल्ड विद ब्लड। ठीक है, प्रियांशी नहीं, फैट बॉडी और नेफ्रोसाइट्स आर नॉट वन एंड द सेम थिंग, दे आर वेरी डिफरेंट। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि इनका क्या डिफरेंस है। देखो, तो बात कर रहे थे मालफिजियन ट्यूब्यूल्स की, तो जितनी भी आसपास खाली स्पेस है, दिस इज ऑल द ब्लड, इट इज ऑल ब्लड फिल्ड, एंड ब्लड ऑफ कॉकरोच इज नोन एज हीमोलिम्फ। ठीक है, इसको भी डिटेल में देखेंगे। अब ये मालफिजन ट्यूब्यूल्स करती क्या है, ये मालफिजन ट्यूब्यूल्स जो है ये हीमोलिम्फ में से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करेंगी, यानी यूरिक एसिड को या जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको यहाँ से फिल्टर करेंगी और ये डाल देती हैं। दिस इज वन स्ट्रक्चर ऑफ मालफिजन ट्यूब्यूल। तो ये हीमोलिम्फ से नाइट्रोजनस वेस्ट गया मालफिजन ट्यूब्यूल में, और मालफिजन ट्यूब्यूल से आ गया वो हाइंड गट में। आर यू गेटिंग दिस? तो इसका मतलब जो एलिमेंट्री कैनाल है वो इसकी इसके इसके अंदर सिर्फ डाइजेशन में ही रोल प्ले नहीं कर रहा, एलिमेंट्री कैनाल का एक एक्सक्रीटरी फंक्शन भी है। ठीक है, हीमोलिम्फ में से एक्सक्रीटरी मटेरियल रिमूव किया मालफिजन ट्यूब्यूल्स ने, उसको कन्वर्ट किया यूरिक एसिड में और उसको पोर कर दिया इनटू द हाइंड गट। सो हाइंड गट इज आल्सो गोइंग टू रिमूव द एक्सक्रीटरी मटेरियल। तो मैक्सिमम जो उसका एक्सक्रीशन होना है, दैट इज थ्रू दी स्ट्रक्चर्स कॉल्ड मालफिजन ट्यूब्यूल्स। कहाँ पे है? एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट। कितनी है? 100 to 150 नंबर। एंड एक्चुअली बहुत क्लियरली येलो कलर की होती है। अगर आप कभी कॉकरोच को डायसेक्ट करो तो आपको क्लियरली पता लगेगा कि ये है मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। क्लियर? चलिए, अब हम आते हैं, ऑल राइट, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं नेफ्रोसाइट्स। अब ये जो नेफ्रोसाइट्स हैं गाइस, प्रियांशी आपका डाउट था, सो फोकस हियर। नेफ्रोसाइट्स जो होते हैं, नेफ्रोसाइट्स आर प्रेजेंट ऑन द डोर्सल वॉल ऑफ हार्ट। ठीक है,
सो ये अलग स्ट्रक्चर्स हैं जो एक्सक्रीशन में रोल प्ले करेंगे. देन फैट बॉडीज आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द ब्लड. अगर आप इसके कभी भी अगर कॉकरोच को आपने मारा हो तो उसके अंदर से ना वो व्हाइट कलर का एक मटेरियल सा निकलता है. वो जो व्हाइट कलर का सब्सटेंस है दैट इज हीमोलिम्फ. और उस ब्लड की उस हीमोलिम्फ की अगर हम स्लाइड बनाएं तो उसके अंदर हमें नजर आते हैं फैट बॉडीज. तो दे आर स्कैटर्ड थ्रू आउट इट्स ब्लड एंड ये स्टोर करते हैं फैट को. तो मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें बताया था कि कॉकरोच कितना भी खा ले लेकिन वो मोटा नहीं होता. उसका कभी भी फैट उसके थाइज में डिपॉजिट नहीं होता या उसके कहीं पे भी मोटापा नहीं आता. बिकॉज जितना भी एक्स्ट्रा वो खा रहा है, जितना भी एक्स्ट्रा फैट खा रहा है, वो सब फैट कहाँ जा रहा है, एक्स्ट्रा फूड कहाँ जा रहा है, फैट बॉडी में. और वो फैट बॉडी स्कैटर्ड होती हैं ब्लड के अंदर. तो उसको कभी भी टेंशन नहीं होती कि हाँ उसकी लेग्स मोटी हो गई हैं या अब उसके कहीं पे भी एक्स्ट्रा बल्जेस बन गए हैं. तो कॉकरोच जितना मर्जी पेट भर के खा सकता है मोटे होने के डर के बगैर. ऑलराइट, चलिए उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम क्यूटिकुलर वॉल पे. एज आई टोल्ड यू, यस एज आई टोल्ड यू कि क्यूटिकल इज द इनर वॉल, इट इज द कवरिंग ऑन द इनर वॉल ऑफ बॉडी. ठीक है, तो जितना भी एक्स्ट्रा उसका नाइट्रोजनस वेस्ट है वो सारा का सारा उस क्यूटिकल की वॉल में डिपॉजिट होता रहता है. और जब भी कॉकरोच स्पेशली ड्यूरिंग द मोल्टिंग स्टेज, लार्वल स्टेज में, जैसे जैसे वो क्यूटिकुलर वॉल उतरती है वो एक्स्ट्रा फूड भी उसका उतर जाता है. यानी एक्स्ट्रा सॉरी जो एक्स्ट्रा उसका नाइट एक्सक्रीटरी मटेरियल था वो भी शेड ऑफ हो जाएगा अलॉन्ग विद द क्यूटिकुलर वॉल. बिल्कुल चेतु, फिर उनको जैसे डाइटिंग नहीं कर सकते और जिम भी नहीं जा सकते. हाँ नो, उसको जाने की ज़रूरत नहीं है भाई, उनको डाइटिंग करने की ज़रूरत है ही नहीं, उनको जिम जाने की ज़रूरत है ही नहीं. बस बैठो और खाओ, कोई चिंता ही नहीं. बट वो मोटे इसलिए भी नहीं होते क्योंकि उनका बहुत ही एक्टिव लाइफस्टाइल है. तो उनको मम्मी बेड पे बिठा के खाना नहीं देती है कि खाओ बेटा खाओ. हर एक को अपने हिस्से का खाना खुद ढूंढने के लिए निकलना पड़ेगा. सो सिंस दे हैव अ वेरी एक्टिव लाइफ स्टाइल दैट इज अनदर रीजन वाई इट डजन गेट फैट. और जितना भी एक्स्ट्रा वो थोड़ा बहुत कभी खाते हैं तो दैट गेट्स स्टोर्ड इन इन द फैट बॉडीज विच आर स्कैटर्ड इन द ब्लड. ठीक है, सो दो रीजन्स हैं क्यों उनको मोटे होने की टेंशन नहीं है, क्यों उनको जिम जाने की जरूरत नहीं है, क्यों उनको डाइटिंग करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, चलिए. ऑल राइट, क्यूटिकुलर वॉल, ठीक है, इट विल हेल्प इन रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी मटीरियल ड्यूरिंग एक्टाइसिस. अपूर्वा, यस अपूर्वा, आई विल बी टीचिंग इवोल्यूशन ऑल्सो. इन फैक्ट आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड टेकिंग इवोल्यूशन की क्लासेस. यू कैन इंस्टॉल आर गो प्रेप की ऐप और वहाँ पे फ्री लेक्चर्स भी हैं एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू आर चैनल. सो यू कीप गेटिंग द नोटिफिकेशन जब भी हम कोई भी लेक्चर ले रहे हैं यूट्यूब पे. और एज आई सेड, ऐप पे हमारी एक एक्टिवेटर सीरीज स्टार्ट हुई है. फिलहाल हमने स्टार्ट किया है 11th के लेक्चर के साथ. 11th का एक टॉपिक दैट इज टिश्यूज एंड वील कीप इन्फॉर्मिंग यू जैसे जैसे हमारे नए प्रोग्राम्स शुरू होते हैं. सो स्टे इन टच विद अस एंड यू विल बी इन्फॉर्म्ड. ऑल राइट, एंड देन वी हैव यूरिकोज ग्लैंड्स. गाइस मैं यूरिकोज ग्लैंड्स अभी यहाँ पे ऐसे ही छोड़ रही हूँ. ठीक है, इसकी डिस्कशन मैं करूंगी रिप्रोडक्शन के साथ. All right, but yes, uricose glands are found in male cockroach and they will also help in excretion. How? We'll see. हाँ जी, मयंक बार बार पूछ रहे हैं डोर्सल क्या होता है. डोर्सल एक डायरेक्शन है. गाइज देखो, अब हमारे केस में अगर हमें बॉडी में कुछ भी बॉडी के किसी भी ऑर्गन का एड्रेस बताना है तो हम ये नहीं बता सकते कि यू नो इट इज यू नो ऑन द राइट और द लेफ्ट. तो हम राइट एंड लेफ्ट करके अपना वो नहीं बताते हैं. हमारे केस में जब भी हमें एड्रेस बताना है किसी ऑर्गन का तो हमारी डायरेक्शंस कौन सी यूज होती हैं. इट्स नॉट नॉर्थ और साउथ और ईस्ट और वेस्ट. इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज डोर्सल, वेंट्रल, वी से एंटीरियर, वी से पोस्टीरियर, वी से सुपीरियर. राइट, तो ये सारी टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं. तो अब देखो डोर्सल और वेंट्रल क्या होता है. किसी भी ऑर्गन में, किसी भी ऑर्गन का अगर हम जो फोल्ड करते हैं उसको, तो जो पार्ट अंदर की तरफ आता है, जैसे मैंने हाथ फोल्ड किया तो जो पार्ट अंदर की तरफ आएगा दैट विल बी वेंट्रल और ये जो बाहर रह गया दिस इज डोर्सल. बॉडी को अगर फोल्ड करते हैं तो अंदर की तरफ फोल्ड होगी तो दिस इज वेंट्रल एंड जिस तरफ आपकी बैकबोन होती है दैट इज डोर्सल. ठीक है, कोई भी पार्ट जस्ट फोल्ड इट, जो अंदर की तरफ है वो वेंट्रल है, जो बाहर की तरफ है वो डोर्सल है. ठीक है, ऑल राइट ऑल राइट.
चलिए गाइज, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच एवरीवन, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर, सब्सक्राइब विद ऑल योर फ्रेंड्स. यस राजेश, व्हेन आई स्टार्ट विद स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन. ओके राजेश, इन बायोलॉजी वी हैव चूजन टू टॉपिक्स, वन फॉर जूलॉजी एंड वन फॉर बॉटनी. अभी बायोलॉजी की इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही हैं, एंड वंस दैट बॉटनी का चैप्टर इज ओवर, ठीक है, फिर आई विल बी स्टार्टिंग विद द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन. सो आप ये लेक्चर कोई मिस ना कर दें. तो एज आई सेड, हिट द बेल आइकन सो दैट यू कीप गेटिंग द नोटिफिकेशन. यस हिमांशु, यू आर एब्सोल्यूटली राइट. मशरूम ग्लैंड्स हैं, मशरूम ग्लैंड्स का दूसरा नाम यूरिकोज ग्लैंड्स होता है, एंड दे आर फाउंड इन द मेल कॉकरोच, ठीक है. डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल एंड्स मैं पहले भी बता चुकी हूँ. डिस्टल का मतलब होता है, कल भी हमने इसकी डिस्कशन की थी, लेग का स्ट्रक्चर पढ़ते हुए. तो ऑल राइट, डिस्टल का मतलब होता है डिस्टेंट, जो दूर है. प्रॉक्सिमल का मतलब जो पास है. तो बॉडी में डिस्टल और प्रॉक्सिमल का मतलब जो पार्ट आपकी सेंट्रल बॉडी से जितना दूर है वो उतना डिस्टल है, जितना पास है वो प्रॉक्सिमल है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट माई हैंड, तो हैंड का ये हिस्सा जो है, दिस इज नियरर टू द बॉडी, सो दिस इज द प्रॉक्सिमल एंड. ये दूर है तो दिस इज द डिस्टल एंड. आप किसी भी पार्ट की बात कर सकते हैं. अगर इफ यू कैन टॉक अबाउट द फिंगर, सो दिस इज द डिस्टल एंड एंड दिस इज द प्रॉक्सिमल एंड. क्लियर? सो डिस्टल मीन्स जो दूर है, प्रॉक्सिमल मीन्स जो पास है. नो अपूर्वा, दिस इज नॉट गोइंग टू बी द लास्ट सेशन. कॉकरोच इज इन डिटेल. सो आज हमने एक्सक्रीटरी कर लिया, डाइजेस्टिव कर लिया, ठीक है. इसके बाद हम मूव कर रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम पे. तो आज हम ये तीन सिस्टम्स पढ़ेंगे, बाकी के जो दो तीन रह गए हैं वो हम कल कंप्लीट करेंगे. एंड उसके बाद होगा हमारा एक इंटरैक्टिव क्विज, जिसमें कि बेस्ड ऑन दीज लेक्चर्स वी विल ब्रिंग लॉट्स ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यू. हाँ जी, ऑल राइट. सो अब आते हैं हम सर्कुलेटरी सिस्टम पे. देखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे, पहली चीज, इसका सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ओपन टाइप. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है इसका. नाउ व्हाट डज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मीन? कि इसके अंदर कैपिलरीज नहीं होंगी. डॉक्टर बिहारी बाबू, यू आर लिटिल लेट. हमने ऑलरेडी तीन स्ट्रक्चर सिस्टम्स पढ़ लिए हैं, दो सिस्टम्स पढ़ लिए हैं, सॉरी. सो गाइज, डोंट मिस ऑन द क्लासेस, ठीक है. ऑल राइट, तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, मीन्स नो कैपिलरी सिस्टम. और जहां पे भी ब्लड, जहां पे भी खाली स्पेस मिलेगी, वो सारी फिल्ड होगी ब्लड के साथ, ठीक है. ऑल राइट, तो अब हम देखते हैं इसका सर्कुलेटरी सिस्टम है कैसा. सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर इसके चार कंपोनेंट्स हैं. नंबर वन इज हार्ट, नंबर टू इज ब्लड, नंबर थ्री इज अ ब्लड वेसल्स, ठीक है, एंड नंबर फोर इज साइनसेस. ये चार कंपोनेंट्स मिलके बनाते हैं इसका सर्कुलेटरी सिस्टम. चले इसके हार्ट की बात करते हैं. ऑल राइट, एंड आई विल वैनिश फॉर अ वाइल. चलिए हार्ट की बात करते हैं. हमारा हार्ट फोर चेम्बर्ड है, लेकिन इसका हार्ट है 13 चेम्बर्ड, ठीक है. हमारा ट्रायंगुलर हार्ट है, इसका ट्यूबुलर हार्ट है. क्लियर? अब हार्ट इसका कैसा होगा उससे बाद में आते हैं. हमारा, क्योंकि हम कॉर्डेट्स हैं, मैंने एक लेक्चर में भी ये चीज बताई थी कि कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स दोनों के अंदर हार्ट हो सकता है, बट द डिफरेंस इज द पोजिशन. हमने अभी डोर्सल वेंट्रल की बात की. हमारा हार्ट इज ऑन द वेंट्रल साइड, जिस तरफ आप स्टेथोस्कोप लगा के उसे चेक करते हो, दैट इज अ वेंट्रल साइड, राइट. और इसका हार्ट, जितने भी नॉन कॉर्डेट्स होंगे उनके अंदर हार्ट अगर होगा तो वो हमेशा हमेशा डोर्सल होगा. सो हार्ट इज 13 चेम्बर्ड, इट इज डोर्सल एंड इट इज ट्यूबुलर इन नेचर. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द ब्लड. इसके ब्लड को हम बोलते हैं हीमोलिम्फ, ठीक है. हीम मीन्स ब्लड, लिम्फ इज ऑलवेज कलरलेस, तो इसका ब्लड कलरलेस है, तो हमने इसके ब्लड का नाम रख दिया हीमोलिम्फ. चलिए अब हमारे ब्लड के अंदर भी दो कंपोनेंट्स होते हैं, है ना, जैसे कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स. ऑल ऑफ दीज करेक्ट मिस्टर अफान, इट इज़ वेरी, आई नो इट इज़ नॉट ईजी. पहली बार में किसी को भी याद नहीं होता, लेकिन मैं ये चीज़ पूरा साल 15 और 20 टाइम्स रिपीट करती हूँ. तो तुम भी ज़रा 5 या 10 बार इसको रिपीट करके देखो, और फिर मुझे बताना कि ये चीज़ें कन्फ्यूजिंग रहती हैं कि तुम्हारी टिप्स पे आ जाएंगी. सो द मैजिक इज़ प्रैक्टिस.
ठीक है. सो प्रैक्टिस इट, कीप लर्निंग इट अगेन एंड अगेन, एंड इट विल बी ऑल ऑन योर टिप्स. चलिए ब्लड की बात करते हैं. तो इसके अंदर ब्लड सेल्स हैं, एंड द ब्लड सेल्स आर नोन एज हीमोसाइट्स. हीम वर्ड इज ऑलवेज फॉर, ऑलवेज फॉर ब्लड, साइट्स मीन्स सेल्स. ठीक है. और दूसरा है इसका लिक्विड पार्ट, विच इज ऑलवेज नोन एज प्लाज्मा, लिक्विड. ठीक है जी. अब इसके अंदर जो ब्लड सेल्स हैं, यस, ब्लड कॉर्पसल्स और सेल्स, हीमोसाइट्स, वो हैं WBCs जैसे, ल्यूकोसाइट्स जैसे, लेकिन वो प्रॉपर WBCs भी नहीं है जैसे हमारे अंदर हैं, बट दे आर प्रिमिटिव. कुछ कुछ WBCs जैसे हैं, फेगोसाइटोसिस करते हैं WBCs की तरह, इसलिए इन हीमोसाइट्स को हम बोल देते हैं प्रो ल्यूकोसाइट्स एज वेल. प्रो मीन्स प्रिमिटिव, ल्यूकोसाइट्स आर द WBCs. सो ब्लड कंसिस्ट ऑफ हीमोसाइट्स और प्रोल्यूकोसाइट्स एज वेल एज प्लाज्मा. अब इसका जो ये ब्लड है दैट इज कलरलेस. ठीक है. प्लाज्मा के अंदर कोई इसका पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है. सो हैश टैग कर लेंगे, इसका ब्लड जो है वो कलरलेस है बिकॉज ऑफ नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट. हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा है? हाँ जी. ऑल राइट चैतू, मैं गायब हो जाती हूँ थोड़ी देर के लिए ताकि आपको नजर आए. इफ समथिंग इज मिसिंग यू कैन ऑलवेज लेट मी नो, ऑल दो आई विल टेक केयर ऑफ इट. ऑल राइट. नहीं अपूर्वा, ऐसा कुछ नहीं है. आई एम फुल टाइम वर्किंग विद गोप्रेप एंड यू विल सी मी ओनली एंड ओनली ऑन गोप्रेप की ऐप, यूट्यूब का चैनल और इन माई क्लास. ठीक है जी. हाँ जी. सो हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, बट कॉकरोच के ब्लड के अंदर कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है, दैट इज वाई इट इज कलरलेस. ठीक है. अब आते हैं हम इसकी ब्लड वेसल्स पे. इसकी ब्लड वेसल्स जो हैं, दैट इज आर्टरी, इट हैज वेन्स, बट इट डज नॉट हैव कैपिलरीज. क्योंकि कैपिलरीज नहीं है इसीलिए इसका सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन कहलाएगा. ठीक है. चलिए उसके बाद, और इसकी जो मेजर ब्लड वेसल है, हैशटैग, दैट इज एओर्टा. कहाँ पे प्रेजेंट है? अभी बस उसकी डिस्कशन करेंगे इन अनदर 2 मिनट्स. साइनसेस का मतलब होता है ओपन स्पेस. तो बॉडी में अगर कोई भी ओपन स्पेसेस हैं तो दे आर नोन एज साइनसेस. जैसे हम कह देते हैं कि भाई ऑल राइट, चलो आई एम हियर अगेन. सो वी से दैट वी हैव साइनसेस हियर. है ना, कईयों को बहुत एलर्जी रहती है, तो हमारे इस ये जो बिंदी वाला स्पॉट होता है ना, बिंदी वाले स्पॉट के आसपास बटरफ्लाई शेप में वी हैव 4 empty spaces, एंड दीज एम्प्टी स्पेसेस आर नोन एज साइनसेस. क्लियर. तो ऐसे ही कॉकरोच के अंदर भी जो ओपन स्पेसेस हैं उनको हम क्या बोलेंगे? साइनसेस. इसकी पूरी बॉडी जो है दैट इज डिवाइडेड इनटू 4 different sinuses. क्लियर. वो कौन कौन से हैं? इट हैज पेरी न्यूरल साइनस, इट हैज पेरी विसरल साइनस, पेरी कार्डियल साइनस, एंड इट हैज हेड साइनस. चलो लेट्स सी इट इन द डायग्राम नाउ. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, आई एम ड्रॉइंग अ कॉकरोच, द लेटरल व्यू. सो दिस इज कॉकरोच का हेड, दिस इज उसका थोरेक्स, एंड उसके बाद ये है इसकी बॉडी. 5, 6, 9, 10. हमने पढ़ा था एब्डोमेन हैज 10 segments. सो ये है इसका एब्डोमेन. ऑल राइट. सो दिस इज अ लेटरल व्यू. ठीक है. अब यहां पे प्रेजेंट है, ऑल राइट, आई एम गोइंग टू ड्रॉ द एओर्टा हियर. सो दिस इज एओर्टा. ठीक है. और इसके पीछे प्रेजेंट है इसका ट्यूबुलर हार्ट. ये देखो, इसके हार्ट के अंदर 13 chambers हैं ट्यूब की फॉर्म में. सो 3, दिस इज 4, दिस इज 5, 6, 7, 8, 9, and then 10, 11, 12, and the last chamber, that is 13. So this is the first chamber and this is the 13th chamber. Ab iski jo body hai, as we have discussed, it is, the body is divided into 4 chambers. Theek hai ji. To aapko 4 chambers dekho, jahan pe heart present hai, ek wo cavity ho gayi. ठीक है. इस खाली स्पेस को हम बोल देंगे ये वाली साइड, दिस इज पेरी कार्डियल साइनस. कार्डियल वर्ड इज फॉर हार्ट. तो हार्ट के आसपास वाली जो कैविटी है दैट इज पेरी कार्डियल साइनस.
अब हमारी जो नर्व कॉर्ड होती है वो हमेशा वेंट्रल होती है, लेकिन नॉन कॉर्डेट्स के अंदर जो नर्व कॉर्ड होगी वो हमेशा हमारी हमेशा डोर्सल होती है, नॉन कॉर्डेट्स के अंदर हमेशा वेंट्रल होगी। तो यहाँ पे इसकी नर्व कॉर्ड होगी, तो नर्व कॉर्ड के आसपास वाला जो साइनस है दैट इज कॉल्ड पेरी न्यूरल साइनस। यस, और ये बीच वाला पार्ट जहाँ पे बाकी ऑर्गन्स होंगे, इस बीच वाले पार्ट साइनस को हम बोल देंगे पेरी विसरल साइनस, एंड दिस हेड वाला रीजन इज नोन एज हेड साइनस। इज दैट क्लियर टू ऑल? सो द बॉडी इज डिवाइडेड इंटू फोर साइनसेस, हेड साइनस, पेरिकार्डियल साइनस, पेरी विसरल एंड पेरी न्यूरल। आई विल बी राइटिंग द फुल फॉर्म्स इन अ वाइल। नाउ सी, सो दिस येलो शेप्ड इज द हार्ट, राइट? और क्योंकि डोर्सल साइड पे है तो दिस इज डोर्सल, इट इज ट्यूबुलर एंड इट इज 13 चेम्बर्ड हार्ट। क्लियर? देन अब इसके हार्ट के अंदर देखो जो डायरेक्शन ऑफ ब्लड होगी वो पीछे से आगे होगी। मैं यहां से स्टोरी स्टार्ट कर रही हूँ अब इसके सर्कुलेशन की, सो प्लीज फोकस हियर। सो ब्लड फ्रॉम द पोस्टीरियर डायरेक्शन विल मूव इनटू द एंटीरियर डायरेक्शन, पीछे से ब्लड आगे की तरफ मूव करेगा। अब पीछे से कहाँ से आएगा वो हम अभी देख लेंगे। तो पीछे से ब्लड आगे की तरफ आ रहा है एंड थ्रू दिस एओर्टा दिस ब्लड विल फर्स्ट ऑफ ऑल गो इनटू द हेड साइनस। हेड साइनस से होने के बाद वो ब्लड जाएगा इसके पेरी न्यूरल साइनस में। न्यूरल साइनस से ये इस मेम्ब्रेन को, ये जो मैंने ब्लू कलर की ड्रॉ की है, दीज आर द मेम्ब्रेन्स, परफोरेटेड मेम्ब्रेन्स। इन परफोरेटेड मेम्ब्रेन्स को हम बोलते हैं डायाफ्राम्स। ये देखो, एक ये डायाफ्राम है जिस इज ऑन द वेंट्रल साइड, तो वी कॉल इट वेंट्रल डायाफ्राम। डायाफ्राम, हमारे वाला डायाफ्राम इज डिफरेंट। हमारे डायाफ्राम के अंदर सिर्फ एक ओपनिंग होती है इसोफेगस के लिए, अदरवाइज डायाफ्राम के अंदर कोई ओपनिंग नहीं होनी चाहिए, कोई पंचर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इट विल रिजल्ट इन इंस्टेंट डेथ। ठीक है? और ये है डोर्सल साइड वाला डायाफ्राम, सो दिस इज नोन एज डोर्सल डायाफ्राम। लेकिन इनके जो डायाफ्राम्स होते हैं दे आर परफोरेटेड। परफोरेटेड का मतलब उसके अंदर ओपनिंग्स होंगी, दे आर परफोरेटेड। नाउ सी, कमिंग बैक टू द स्टोरी, तो जो ब्लड है वो हार्ट में पोस्टीरियर से एंटीरियर डायरेक्शन में आ रहा था, और इस पोस्टीरियर से एंटीरियर डायरेक्शन के बाद वो आ जाता है हेड में। हेड से वो जाएगा पेरी न्यूरल साइनस में, पेरी न्यूरल साइनस से वो इन डायफ्राम की परफोरेशंस को क्रॉस करता हुआ जाएगा पेरी विसरल साइनस में। पेरी विसरल साइनस से ये डोर्सल डायफ्राम की परफोरेशंस को क्रॉस करता हुआ जाएगा पेरिकार्डियल साइनस में। यस यस दिव्यांशी, ब्लड इज गोइंग टू मूव फ्रॉम पोस्टीरियर टू एंटीरियर डायरेक्शन। अब देखो, अब ये जो ब्लड है ये ब्लड एंटर कर गया पेरी कार्डियल साइनस में। पेरी कार्डियल साइनस से ये हार्ट के अंदर कहीं से भी एंटर कर जाएगा, कहीं से भी। यह ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं, इन ओपनिंग से जो ब्लड है दैट विल एंटर इनटू द हार्ट, और जहां से भी एंटर करेगा बस वो आगे की तरफ चल देगा। इज दैट क्लियर? यस। सो दिस इज द फ्लो और द रूट ऑफ ब्लड। चलिए देखते हैं एक बार। सो फ्लो ऑफ ब्लड क्या रहेगा कॉकरोच की बॉडी में? सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एओर्टा से। एओर्टा से वो गया हेड साइनस में, हेड साइनस से इट विल गो इनटू द पेरिन्यूरल साइनस, पेरी न्यूरल साइनस से इट विल एंटर इनटू द पेरी विसरल साइनस, विसरल साइनस से इट एंटर्स द पेरी कार्डियल साइनस। और अब जैसे ही कार्डियल साइनस में एंटर करेगा, हार्ट के चेम्बर्स पे होते हैं ऑस्टिया, उन ऑस्टिया से होते हुए इट विल एंटर इनटू द हार्ट, एंड हार्ट से वो पोस्टीरियर से एंटीरियर डायरेक्शन में मूव करता हुआ पहुंच जाएगा दोबारा से एओर्टा में। सो दिस इज द फ्लो और द ऑर्डर इन विच द ब्लड मूव्स इन द कॉकरोच की बॉडी। दे हैव ओपन सर्कुलेशन सिस्टम, दैट्स वाई ऑर्गन्स आर बेट इन टू हीमोफिली। एब्सोल्यूटली डॉक्टर निकिता, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जहाँ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है द ऑर्गन्स आर बेदिंग इन टू द ब्लड। हमारी जितनी भी ओपन स्पेसेज हैं दे आर फिल्ड विद एरियोलर टिश्यू, राइट? तो हमारे ऑर्गन्स के आसपास ब्लड नहीं है। अगर हमारे ऑर्गन्स के आसपास ब्लड होता ना, तो जितनी भी हमारी ओपनिंग्स हैं सबसे ब्लड बाहर आ रहा होता। इसीलिए कई बार इंटरनल ब्लीडिंग अगर हो जाए तो ब्लड स्टार्ट्स कमिंग आउट थ्रू योर नोज और योर ईयर्स। तो हमारे केस में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है क्योंकि ऑर्गन्स आर नॉट बेदिंग इन ब्लड, बट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ओपन सर्कुलेटरी वाले ऑर्गेनिजम्स। ऑल राइट, चलिए।
So this was the flow of blood. This is how the heart is. अब heart कैसे beat करता है, ठीक है, इसके बारे अब हम पढ़ेंगे in the next class. छोटा सा hint दे देती हूँ, हमारा heart है myogenic, इसका heart है neurogenic. लेकिन वो क्या होता है, किस तरह, कौन सी muscles हैं जो heart की movement करवाएंगी, ये अब हम करेंगे in the coming lecture. That will be tomorrow. So any doubts so far, guys? Any doubts? So if you like today's, yes, Punjab lover, what do you want me to repeat? Yes, all right. So अगर किसी का कोई भी पिछला लेक्चर रह गया हो तो they can always attend it on the YouTube. Why it is not the dorsal blood vessel? Dorsal blood vessel is seen in earthworm. Major blood vessel है तो dorsal ही, aorta is on the dorsal side, but we do not call it like dorsal blood vessel, जैसे कि it is prominently seen in earthworm. All right, I'll write down the full forms here. देखिए, this is perineural sinus, perivisceral sinus, pericardial sinus, and then we have head sinus. रहमान, number of ostia, हम कल आप सब मुझे बताएंगे कि number of ostia कितने होते हैं. I have told you कि heart के अंदर 13 chambers हैं. So just try to find out कितने ostia है इसके heart के अंदर. Circulatory system repeat, Punjab lover, please hit the bell icon, ठीक है, सबसे पहले. और जैसे ही क्लास होगी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी. एंड इन माई नेक्स्ट क्लास आई विल बी रिवाइजिंग द सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है. ओके, अनिकेत सेज 26 ऑस्टिया, अपूर्वा सेज 12, जस्ट 12 अपूर्वा, थिंक अगेन, ठीक है. टिल आर नेक्स्ट क्लास ट्राई टू फाइंड आउट एन आंसर कि कितने ऑस्टिया प्रेजेंट हैं इसके हार्ट में. एंड येस अनिरुद्ध, वी विल टॉक अबाउट एलरी मसल्स विच विल हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ हार्ट, ठीक है. एंड ऑल राइट, सो guys, like, subscribe and share this channel, okay, share it with all of your friends and all the social media that you are using, and I'll see you in the next class. Till then, thank you so much and stay safe and study well. Thank you.